देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गरम चाय मिल जाती चाय आज की तारीख में मिलेगी कि मंदिर चले जाए। ऐसी आलसी बहू हमारी किस्मत में लिखी आएगी। घूमने को बोलो तो पट से घूमने को तैयार, हमारे काम के लाने कछुआ बन जाती है नार से बेटी। अखबार ही पढ़ ले, हाय 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 जो काले को रही। आदमखोर शेर ने किया दरोगा हप्पू सिंह का शिकार, एक झटके में जिंदा खा लिया। क्या 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 हुआ? भूत को डरा दिया? सपना देखा क्या? बुआ के पापा बहुत ही बुरा सपना। ऐसा कौन सा सपना देखा है जो तुम्हारे पसीने छूट गए? हम अखबार पढ़ रहे थे सपने में, हमने कहा देखो क्या, हमने देखो अखबार में एक फोटो तुम्हारी। तो अपुआ? अरे बोलना भाई, अपुआ अपुआ क्या कर रही हो? अपुआ को आदम कौन से निकाली। कैसे डोकर हो, हंस रहे हो? और ये तो क्या, अरे तुमने सपना देखा कि अपुआ को आदमखोर शेर खा गया। अरे अपना अपुआ शेर देखने के लिए जंगल जाएगा और शेर उसको खा जाएगा है? चिड़िया घर में पिंजरे में रखा हुआ शेर देखता है तो डर जाता है। हमें पता है कि हम अब लाल डरपो के बहादुर ना है, तुम पे गऊ है, है? लेकिन सुबह को सपना है गोना, देखो सुबह को सपनों ना सच हो जाते हैं। हाँ खट्टू रानी, सुबह के सारे सपने सच नहीं होते। अरे मैंने भी कितने सपने देखे थे सुबह सुबह, मेरे आसपास अप्सरा घूमेगी, डांस दिखाएगी, नाच करेगी, नृत्य करेगी, हुआ क्या? तब है ऊपर जाने की जल्दी हती, समझ गए हम, अब तो खुश होंगे ना बहुत, परियां आसपास घूम रही। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सपने सच नहीं होते हैं। ना बात ये है कि हपुआ को ना भले ही डरपोक हो लेकिन भा को शुरू से उड़ता तीर लेने की आदत आएगी, यही काम है डर है। अरे जिसके सर पर शेरनी जैसी भा का हाथ हो, किसकी मजाल है कि हपुआ को हाथ भी लगाए? अमाउ मन रखने के लाने बोल रहे हो ना तुम? देखो कट्टो, तुम जो टिकाती हो ना उस बोतल की कसम खा कर कह रहे हैं सपने सच भी हो सकते है। कैसे डॉक्टर है बताओ, सांत्वना भी ठीक से ना दे पा रहे। मेरी कबूं किताब भी खोल लो करो, ले आता ना कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में एक फड़फड़ाती चाय हो जाए रज्जो। आओ सुनो, मौसम देख रही हूँ, टंडू टंडू हो रहा हूँ, थाने से जल्दी आ जाएंगा। My dear father, what we say is that one very much special day is coming very much soon. Meaning, me giving you one hint. On that day, all the children doing their badmani and you cannot even plunk anything. अच्छा अच्छा, समझ गए वो क्या कह रही है। क्या कह रही? पापा मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक बहुत ही स्पेशल दिन आने वाला है, बहुत ही जल्द, जिस दिन आप सारे बच्चे मिलके करेंगे मनमानी और आप हमें कुछ नहीं कह पाओगे। है बेटा, कोऊ को बर्थडे तो आना रहो है, तो फिर कौन सा स्पेशल डे है, कहे की मनमानी? अरे मम्मी, जन्मदिन ही सबसे बड़ा दिवस नहीं होता है, उससे बड़ा दिवस होता है बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रंस डे। हाँ, हम मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चों का दिन। चमची बात यो है कि कुछ माँ बाप तो ना ये सोचते हैं कि भगवान को बालकों के नाम की एक्स्ट्रा थाली क्यों चढ़ा दी। बेटा मलाइका, हाँ जो बच्चे होते हैं वो भगवान की देन है, आई बस समझ में?
सही कह रही, और अपने थे तो भगवान को लेन देन चल तो ही रहते हुए। पापा सीधे सीधे काहे ना बोलते, जब बात इते होते काहे घुमा रही। सीधे सीधे ये बताओ कि चिल्ड्रन डे को का प्लान है? अरे प्लान वो थोड़ी बताएंगे, प्लान हम बताएंगे, बाल दिवस है ब्रो। देख पहले तो हम लंच बाहर करेंगे और फिर मूवी देखने जाएंगे और फिर एंड देन डिनर। क्या कह रही? जो तो समझ गए। नहीं नहीं नहीं, डिनर से पहले ना शॉपिंग करेंगे। अब बाल दिवस है तो बाल गोपाल के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा ना, है ना? सही बात है, मेरे लिए कुछ तो लेना पड़ेगा। Exactly. And father, you know what? Me wanting a new perfume from foreign से। बापू मन्ना तो ना बस तू नए डंबल्स दिला दे, थोड़े ज्यादा वजन वाले, ये इतने हल्के से बस मारी बॉडी छोटी तो बन जाएगी कुछ। हाँ, और मेरे लाने आप वो छोटो सा टैबलेट वो दिला देंगे, मैं खुश आ जाऊंगी। एक मिनट, अब मैं क्या मांगू? हाँ मेरे लिए ना एक नई पार्टी वाली ड्रेस। हाँ और पापा मेरी जो वीडियो गेम है ना बहुत पुरानी हो गई है, इट्स टाइम टू चेंज बेबी। बस बेटा गौर कर लो, कछु छूट तो ना गो डिमांड में। पीलो पीलो। पापा जब तक मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो गर्दन काटने की क्या जरूरत है? बाप को मुर्गी कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा। सही सही, स्कूल जा रहे, आओ तो ना अंदर आओ, दो मिनट जो पकड़ो। मलाइका जब कब बेटा किचन में धर दियो। कैसे मालूम कि हम मूड में? जा मतलब नहीं है, सुनो अबे बेसु मूड नहीं आ रहा। जो तुमने लौंडा लपाड़ियन की लिस्टें देखी, एक जो मुंह फाड़ रहा हो दूसरो जो कह रहा हो दिला दू वो दिला दू, यार तुम बताओ। उनको तो ऐसा लगता है बाप सोने के गद्दा में सो रहा हो या फिर पेड़ लगे टपकने या सर्पियां पैसा टका सब गिर रहा हो यार। तुम क्या बताओ, जब तुम्हारा मूड नहीं आ तो हमें कमरा में काहे बुलाए? अरे हम परेशान थे, हमें टेंशन हो रही थी कि बच्चन को कैसे हैंडल करे, तो मदद करो ना थोड़ी। डिमांड तुमसे करी है ना, तुम्हारे बच्चा तुम जानो। हमारे बच्चा हम जाने, एक ठैया हो तो समझ में आता है। ये सारे नौनो ठैया हैं, को कह रहो शॉपिंग करा दो, को कह रहो मार्केट चलने, को कह रहो पापा हमें जो दिला दो, कह रहे पापा। अरे हमें भी बजट बना के चलने पड़ते है यार। साल में एक बार आते है बाल दिवस, दिलाए देना डिमांड, कहीं तो परेशान हो ही रही हो। इनके बाल दिवस के चक्कर में हमारी खोपड़िया पे एक दिन एक बाल ना बचेगो। तो हम जो तुम्हें मना करने है जाके साफ साफ मना कर दो। अच्छा हाँ, तो मैं लगा रहा हूँ हमने मना कर दी तुम्हारी लौंडा लपाड़ी, एक बार में मान जाएंगे, बिल्कुल गाय है ना गाय। ऐसो है, वो कलयुग के बच्चा है, उन्हें सब अपने अधिकार सब पता है उन्हें। उनके अधिकार समझ में आ रहे, हमारे अधिकार उनको का हम सोचते हैं फरमाइश करें थोड़ी बहुत पूरी, लेकिन सुकून से हम कमाए खाए चैन की नींद सोए, हम चैन की बंसी बजाए, हमारे अधिकार उनको तो तुम्हें गुंजा फर्क नहीं है। हमसे बहस ना करो, जाके बच्चन को अपने मना करो, जाओ तुम पहले हथियार डाल दो। हमारा जो मतलब है कि अगर इतनी फरमाशे बाप अभी पूरी करेगो तो नई साल आ रही तनक दिन में, नई साल में का घुइया दिलाएंगे, फिर कहाँ से आएगा पैसा? पता है जब हम छोटे आते ना तो हमारे पापा ना चिल्ड्रंस डे पे चिड़िया घर लेके जाते। सुना तुम बच्चन से कह दियो कि चिड़िया घर लेके जाइए बदिनो, और देश विदेश से जानवर आई हैं, बड़े बड़े पक्षी जानवर शेर चीता सब बताए दियो, का पता तुम्हारी बात मान जाए। तू आईडिया तो मैं बन जाए, सुनो बच्चा मान जाएंगे जाके बात करो ना तब पता चले। बोले सारन के शेर दिखा देंगे, भालू दिखा देंगे, चीता दिखा देंगे। अब हमारा मूड बनू तुम, अब आओ अंदर के बात कर लो यार, आओ ढंग से करियो। पापा अभी तक आए क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? आओ तनक को जीत रहा हूँ मैं, जीत रहा हूँ। अच्छा पापा चिल्ड्रंस डे का प्लान डन है ना? अरे वर्ल्ड के बेस्ट पापा है, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानोगे ना पापा? बिल्कुल सही सही,
असल में बेटा तुम लोगन को जोन प्लान ना तुम ना वो मैं थोड़ी ठीक ना लगो। No, one second, father. What is this? Meaning first you sowing the dream and then you only breaking it. क्या कह रही? अरे बाबू मैं ये कह रही हूँ तो आप ही ने सपना दिखाया और अभी आप आके खुद ही हमारा सपना तोड़ रहे हो। बापू कम से कम बाल दिवस के दिन दिल ना तोड़े, बालकों पे क्या असर पड़ेगा। अरे ठीक है ओहो आराम से पहले बाप की पूरी बात तो सुन लियो। अब सुनने को बचा ही क्या है। बेटा हम जो कह रहे हैं कि जो फिल्में देखनू, शॉपिंग करनू, बाजार हाट घूमनू, ये सब क्या छोटी चीज है। हम चाह रहे मतलब तुम्हारे पापा चाह रहे कि जैसे भी बड़ो कचुक करें, ऐसू कचुक करें कि मतलब तुम्हारे यादगार दिन बन जाए, मतलब चिल्ड्रंस डे है जो है वो खास कचुक अलग बन जाए। का है ना बेटा तुम्हारे पापा ना तुम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बा से भी ज्यादा प्यार करते हैं जानवरन से। तो मतलब तुम सबकी छवि ना उन्हें जानवरन में दिखते है। क्या बात है। यही गिलाने तुम्हारे पापा चाह रहे कि अब की बार मतलब बाल दिवस पे तुम लोगों को चिड़िया घर ले जाए। माय गॉड कैसी कही। पता चिड़िया घर में अफ्रीका से आओ शेर और पैने नुकीले दांत वालू मगरमच्छ देख के सारे यारों बिल्कुल होल होला जाओगी। माय डियर फादर यू नो व्हाट मी थिंकिंग दैट दिस इज द बेस्ट आइडिया मीनिंग इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीमिंग दैट वन डे वी गोइंग टू द बर्ड हाउस पे। क्या कह रही। बापू दीदी के कहने का यो मतलब से कि बचपन का सपना था इसका चिड़ियाघर में जाने का। अच्छा तो लियो केट तुम्हारा सपना तुम्हारे पापा ने पूरा कर दो। एक मिनट पापा कहीं आप हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना। पापा अगर आप सच में हमें चिड़ियाघर लेके जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मजाक कर रहे हो ना तो ध्यान रखना हमारी लिस्ट बढ़ सकती है। ना ना बेटा तुम ना समझ रहे कि तुम लोगों को चिड़ियाघर ले जाने की कितनी जल्दी है हमें। क्या बात है बापू तन्ना इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है। नहीं बेचैनी की का बात अने बेचैनी कछु ना हो रही हमें टेंशन जा है। असल में वो हमने जो बताई ना शेर आ रहा हुआ है अफ्रीका से वो पर्यटक वीजा पे आओ का अपनो देश घूम घाम के चलो जाएगा फिर चिड़ियाघर में क्या देखोगे गुइया। तुम्हें पता है जब हम छोटे आते ना तो हम अपने पापा से बहुत जिद करते कि हमें चिल्ड्रंस डे पे ले चले चिड़ियाघर में। और तुम लोग तो बहुत लकी हो तुम्हारे पापा बिना बोले तुम लोगों के संगे खुद आए रहे हैं चिल्ड्रंस डे पे चिड़ियाघर। तो पर कल जाएंगे है बेटा तैयारी कर लो फटाफट। Africa के जंगल में तो लाइफ बन जाएगी यार मीन्स एक्साइटमेंट। नहीं 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 एक मिनट मतलब यो मॉडलिंग के लिए अफ्रीका के जंगल में क्यों जाना सर। यो क्या बकवास है यो मतलब ऐसे आ दीदी तो कहीं ना जाएगी। मलाइका नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इज बिग चांस फॉर कैट इफ शी सिलेक्टिंग बाबा देन तो शी बिकमिंग वर्ल्ड फेमस मॉडल। ओह माय गॉड कमलेश एंड आफ्टर दैट माय नेम इट्स स्प्रेडिंग फार फार। हां जी अरे मतलब मैं ये कह रही हूं कि उसके बाद से मेरे नाम से दूर दूर तक फैल सा जाएगा। दीदी बात यो से है कि सिर्फ तुमने अप्लाई ना करा होगा और इतने बड़े बड़े धुरंधरों ने अप्लाई करा होगा मतलब किसी और को चांस मिल गया तो। चांस नॉट चांस एट ऑल वी हैव प्लान फुल प्रूफ प्लान। सी मॉडलिंग एजेंसी शूटिंग इन द किचक किचक अफ्रीका के जंगल में एंड इफ यू टेकिंग फोटो किचक किचक इन द इंडिया के जंगल में not in the studio pituitary at all baba then the modeling agency becoming impressed photo with the like sher cheetah lion bhalu bandar ha acha to ek kaam karna didi fir ise ke sath do teen photo le la jungle jane ki kya zarurat sir what me saying is kamlesh that means the loving your idea meaning mere under understanding that how you thinking so much hard meaning wow you know what kamlesh me having this plan that Malaika you helping in taking photos khichik 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 we going to Kanpur ke bird house mein actually leaving why bird house we go to the jungle mein jayenge natural photos aayengi me posing there with chair
एंड आफ्टर दैट मी गिविंग द फोटो इट्स सिलेक्टिंग और उसके बाद मेरी लाइफ बन जाएगी। अरे यार कहाँ फंसा दिया। देख देख बात यूँ है, जितना इजी तो काम समझ जी ना उतना आसान है नहीं वो काम। मतलब कुछ भी हो सकते थे, जंगल है यार। अरे मलाइका मान जरा यार, प्लीज मान, मेरी बहन नहीं है। मलाइका प्लीज। अच्छा 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 ठीक है, मतलब जहाँ लेके चलोगे वहाँ चलूंगी, पता नहीं कहाँ फंसा दिया। ओ मनोहर। यस सर। तेरो वो कौन सो एक दोस्त है चिड़िया घर में, कौन पहचान को है का? हाँ वो छाबड़ा 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 साहब, वो तो मेरे खास है। हाँ छाबड़ा। अच्छा सुन सुन, छाबड़ा को तना फोन लगा, हमें जरूरी काम है। ओ सर देखिए, आपकी और मैडम की जो भी लड़ाई हो, लेकिन उन्हें शेर के पिंजरे में छोड़ने की सोचिएगा भी मत। अरे ना ना ऐसा कुछ नहीं है, असल में हमारी जो लौंडा लपाड़ी है ना, उन्हें बाल दे बस पे चिड़िया घर ले जाने, वही के लाने बात करने कराना बात। फोन लगा फोन लगा। समझ गया, रोज किधर देख देख कर बोर हो गए होंगे। बिना वरिया करें तो माओ काम नहीं हो तो। I'm sorry sir, मैं कॉल लगाओ ना यार, फिर पंचायत कर रही। हेलो मैनेजर छाबड़ा बोल रहा हूँ। अरे छाबड़ा साहब, मैं झकरकट्टी थाने से हवलदार मनोहर लाल बोल रहा हूँ। और मनोहर कैसा है? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा छाबड़ा साहब, मुझे ये पूछना था कि हमारे जो दरोगा साहब है वो अपने परिवार के साथ शेर देखना चाहते हैं, तो कुछ इंतजाम हो सकता है? अरे मनोहर तुमने हफ्ता भर की देरी कर दी फोन करने में। क्यों? वो कहा है कि चिड़ियाघर के सारे शेर कानपुर के जंगल में शिफ्ट कर दिए। अरे उनका गुटरगू का सीजन है, समझ रहे हो ना आप हमारी बतिया को? समझ गया, नो प्रॉब्लम, ओके बाय बाय, टेक केयर। का कह रहे बात ये है कि सारे शेर जो है वो एमपी के जंगल में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उनका गुटरगू का सीजन शुरू हो रहा है। तो खेले ही खराब कर दो पूरो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलो, कहे शेर देखने को इंतजाम होएगा? अरे ना ना अभी पता करूँ, हमने जितने शेर आते ना एमपी की जंगलन में शिफ्ट हो गए, उनकी गुटर गुंकरन को टेम आ गया ना, माहौल बन रहा उनको भी। अब हमें टेंशन जो हो रही, सारे बच्चा नाराज हो जाएंगे, कहूँ हमें ना खा जाए। अरे तुम बहुत जल्दी हार मान ले तो। हाँ वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो फॉरेस्ट ऑफिसर गुलाटी। हाँ बस तुम बात करो ना। आओ बात से बात करके देखो, क्या पता बात बन जाए। अरे उते जंगल में ना एक मचाना हुए, वही पे सब लोग चढ़ जाइयो और वापस चढ़ के शेर देखियो। हाँ वो आइडिया तुम्हारे पास भी आइडिया रहती है, जो जो तो बहुत सही कही तुमने। तुम रखो हम लगा रहे फोन। आओ आओ ऑल द बेस्ट बोल ले। जुगाड़ ये कर रहे, जो तो बंद आ रहो अब क्या करें। जैन साहब। आओ 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 साहब आओ, कहो कहो साहब। अरे साहब साहब, आज बड़े बुझे बुझे लग रहे, ऐसा लग रहे हो बड़े उदास हो। हप्पू सिंह तुम चुका हालत बना ली। अरे हप्पू सिंह तुमने ठीक पहचाना, वो धोबी अपना धोबी मेरी सबसे कीमती चीज लेकर भाग गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपका कीमती सूट लेके भाग गया जो आपने हुलुलुलुलु से ले आए थे? मनोहर सूट पहनते उससे भी कीमती चीज। अच्छा समझ गए, वो महंगी वाली वो काली शर्ट शाइनिंग दार जो इमली भाई की कोठा। नहीं 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 नहीं, अरे वो शर्ट तो इमली भाई की यहाँ ही छूट गई थी, उससे भी कीमती चीज। अच्छा तो हो ना हो सर, वो आपका दो छेद वाला कमलदास कच्चा जो आप हर बड़ी मीटिंग के पहले पहनते थे, वो आपके लिए लकी था ना सर? नहीं मनोहर नहीं, उससे भी कीमती चीज। अबे तो खुद ही बता दे। हाँ को मतलब है? मेरा मतलब कमिश्नर साहब। I'm sorry सर,
आप खुद ही बता दीजिए सर। मेरी धड़कन, दिल, जिगर, सपने, महबूबा। अच्छा अच्छा, इन फिल्मन की सीडी लेके भगो। अरे बेवकूफों, मेरी बीवी को लेके भगो। है मेरा मतलब है तुम्हारी तुम्हारी मैडम को लेके भाग गया। मैडम को उठा लेगो? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती चीज। कैसे जानते हो? वो जब खराटे भरती थी, जोरदार खराटे, तो मैं बेहोश होके सो जाता था। उसका भयानक चेहरा अभी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। वो एक नजर मुझे देखती थी, मेरे पूरे शरीर में से सिमरन दौड़ जाती थी। सिरन सर, वही सिरन सिरन दौड़ जाती हो। वही 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 मेरी मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ का एडवेंचर ही चला गया। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या टोपी का। साहब जो तो बहुत दुख की बात है कि जॉन बीबी के साथ तुम्हारी भी भग गई का। जॉन बीबी के साथ आप मतलब रहने की नानी, आपकी सांसें अटक जाती थी। आज भाई के जाने पे मातम मना रहे, ज्यादा से ज्यादा का दुख हुआ। बहुत गलत हो गो। जाए तो जाए कहाँ। Excuse me, ये डूब के मर क्यों नहीं जाते?